सबसे देश का बड़ा कानून लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधानसभा में किसी भी सरकार पास करता है उनको राज्यपाल को दस्तखत करना है। पहले एक एक दिन में करेंगे, बोले हम स्वयं जाके दिखाए, तुम लोग टीवी में देखे होंगे। वो राज्यपाल, मैं उम्मीद किया था आदिवासी लोग कभी झूठ नहीं बोलता, आदिवासी लोग कभी यह नहीं बोलता। वो आदिवासी राज्यपाल को आरएसएस ने गुमराह कर रहा है और उनको विभाग में कागज भेज रहा है, ये कागज मांगो वो कागज मांगो। हम भी 20 साल में राजनीति में है, 25 साल में मध्य प्रदेश विधानसभा में भी थे। राज्यपाल को वो काम नहीं है, विभाग को कागज मांगना सरकार को है, पार्टी को है, मुख्यमंत्री को है। राज्यपाल अगर अच्छा कानून नहीं बना, राज्यपाल सरकार को वापस कर सकती है। राज्यपाल सुधर बोलते हैं एक बार वापस भेज सकती है, लेकिन विभाग इसी कानून मांग नहीं सकती, उल्टा कर रही है। तो इसलिए ये लड़ाई बहुत लंबा होगा। आदिवासी पिछड़ा वर्ग का प्रदेश है। मैं राजनीति राज्यपाल को मैं सम्मान करता हूँ उस पद का, गरमा का उपयोग करे और गरमा को सड़क में मत लाए, टीवी में मत बोले। वो टीवी में बोल रही थी, पहले मुख्यमंत्री को बोल रही थी ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, क्या हो गया? किसका दबाव, किसके दबाव में हो रहा है ये? छत्तीसगढ़ का जनता, छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं। अरे वो हम लोग आप ऐसा बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कानून छोड़ने वाला है, संविधान को मानने वाला नहीं भीमराव अम्बेडकर का। तो इसलिए इसमें सिद्ध हो रहा है छत्तीसगढ़ में कानून को दर्जा उड़ा जा रहा है राजभवन। तो अभी भी हम राजभवन को हाथ जोड़ के विनती करते हैं राज्यपाल को, सच्चा राज्यपाल है, सच्चा आदिवासी है, बिल को या तो सरकार को पास करे, कोई कमी है तो, या तो फिर उसको पास कराए। यही अपील है हमारा, या तो से लेके सदन तक लड़ेंगे। और आज गौरव दिवस पर 4 साल पूरा होने पर हमारा मुख्यमंत्री ने आज के दिन शपथ लिया था, कर्जा माफ 2 घंटा करने वाला मुख्यमंत्री, भूमिहीन किसान को पट्टा, जंगल जमीन के पट्टा, बस्तर को बदलने काम, 5वीं पढ़े लिखे लोग को पुलिस में भर्ती करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। मैं छत्तीसगढ़ का जनता के तरफ से, छत्तीसगढ़ का प्रभारी मंत्री होने के कारण बस्तर संभाग का जनता के तरफ से, मेरा विधानसभा के जनता के तरफ से, मैं इसलिए विशेष रूप में मेरा कोंटा का जनता के साथ आज मुख्यमंत्री का भाषण सुन रहा था और उसमें हमारे प्रशासन के लोग सब लोग शामिल हुए, जनप्रतिनिधि शामिल हुए, इसलिए उनके तरफ से मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई। और आगे बढ़े और मजबूत हो, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल। धन्यवाद, नमस्कार। कल परसों उद्घाटन होगा, मैं प्रभारी मंत्री हूँ। अभी बीजापुर से तालियागुड़ा, तुम्हारा पामेड़, हमारा गोल्लापल्ली का रोड, हमारे जगुरकुंडा का रोड, हमारे डबाकुंटा कोलाईगुड़ा का रोड बन रहा है, स्कूल ही बन रहे हैं। बंद स्कूल खोले थे गोल्लापल्ली का, सारा 3 आश्रम उनको प्रशासन ने टेंडर दिया है, वो बनेगा। तुम्हारा बेजी बस बंद, बेजी आश्रम नहीं, अभी उसको भी चालू कर रहे हैं और अभी पैसा उसके भी आया है। हमारा मुख्यमंत्री का वायदा था स्कूल रोड में जिसका है, जिस गांव में आश्रम है वही ले जाना है, लेकिन हम लोग उसको पूरा करने में सफल हुए। थोड़ा बहुत बचा है, कम समय है, आने वाला समय आएगा, आने वाला समय भी भूपेश बघेल का है, आने वाला समय भी कांग्रेस का है, इसलिए इस क्षेत्र का विकास होगा। तो आज वन उपज में आज़ादी पहला बार मेरा एक विधानसभा का वनमंडल है। एक विधानसभा वनमंडल में पिछले रमन सिंह 15 साल में कभी 6,000 का दान तेंदुपत्ता तोड़ा है, 6 करोड़ का, कभी 9 करोड़ का तोड़ा है, कभी 13 करोड़ का तोड़ा है। तो पिछले साल 2020 में तेंदुपत्ता तोड़े हम लोग 31,000, इस पिछले 22 साल का तेंदुपत्ता तोड़ा है हम लोग 41 करोड़। उसके बाद भी जयगुरुंडा पिछले साल टूटा नहीं, कोरापाट टूटा नहीं, हम लोग इस साल टूटेंगे तो 50 करोड़ देंगे। सिर्फ तोड़ने वाला को, पलटाने वाला, बोरा बोरने वाला, ट्रैक्टर ढुलाने वाला, ट्रक ले जाने वाला अलग है। आदिवासी हमारा सरकार साथी है कि रोड भी बने, बिल्डिंग भी बने, और जिस बात का खुशी है
कि उसके जेब में कैसा पैसा होगा।